नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट में अविनाश। नेपाल और तराई के क्षेत्र में जारी मूसलाधार बारिश के बीच अब मुजफ्फरपुर में भी बागमती नदी उफान पर आ चुकी है और अब दर्जनों गांव का सड़क संपर्क भंग हो चुका है। सड़कों पर 2 से 3 फीट पानी बह रहा है, जिसके बाद लोग ऊंची जगह शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। कई जगह चचरी पुल ध्वस्त होने के कारण लोग जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन द्वारा नाव की मुकम्मल व्यवस्था नहीं की गई है। जिला के गायघाट प्रखंड के अंतर प्रभावित होने की वाली नदी बागमती ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। बता दें, नेपाल के तराई क्षेत्र में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश से एक बार फिर बागमती उफान पर है। अब पानी तेजी से नए इलाकों में फैल रहा है और बागमती बांध के भीतर बसे प्रभावित गांव के लोगों में अफरा तफरी मची हुई है। लोग ऊंचे जगहों की तलाश में जुट गए हैं। प्रखंड के बेनीबाद, बकुची और आई मुख्य मार्ग में ही पतारी स्कूल के निकट करीब 100 फीट में सड़क के ऊपर 2 फीट पानी चढ़ चुका है। इधर कटरा बसघट्टा बागमती बांध के निकट 13 जून को आई बाढ़ से डायवर्सन के ऊपर पानी चढ़ चुका है। ऊपर आज और अधिक पानी आ गया है। वह उक्त मुख्य मार्ग पर अब भी वाहनों का परिचालन ठप है। इसके कारण एक तरफ बैठा व दूसरी तरफ ही बसों को रोक दिया गया है। राहगीर चचरी के सहारे आर पार हो रहे हैं। बागमती के जलस्तर में हुई तेजी से वृद्धि के बाद बकुची स्थित बागमती पर बने पीपा पुल पर जबरदस्त दबाव बढ़ा हुआ है। पुल के दोनों तरफ मुख्य सड़क पर पानी आ जाने से अब जान जोखिम में डाल लोग आर पार हो रहे हैं। पतारी गांव के लोगों ने बताया कि अभी बाढ़ का शुरुआती दौर है। सड़कों पर 3 फीट पानी लग चुका है। अधिक पानी होने पर अब ऊंचे जगहों पर शरण लेंगे। अब यही हाल गगैया पीपा पुल का है। पुल पर धारा का दबाव बना हुआ है व पुल को बचाने के लिए दर्जनों मजदूर लगे हुए हैं। बागमती के ही बांध के भीतर बसे मोहनपुर, बकुची, आदमा, पतारी, गगैया, मधोपुर, बर्री, भवानीपुर, चंदौली, नवादा आदि गांव के लोग बाढ़ से होने वाली त्रासदी को लेकर अब भी दहशत में हैं। इन गांव में अब निकल कर लोग अभी से ऊंचे जगहों पर शरण लेने लगे हैं। बकुची निवासी राम बहादुर प्रसाद बताते हैं कि पिछले वर्ष करीब 2 माह तक बाढ़ की त्रासदी झेली, इस बार फिर से डूबना निश्चित है। अभी तक सरकार से कोई सुविधा नहीं मिली है। अभी सड़क पर 2 फीट पानी है और वही जब पानी बढ़ेगा तो ऊंची जगहों पर भागेंगे। बता दें कि बकुची के पास स्थित और खराब हो जाती है। और रास्ते से वापस लौटते हुए एक युवक ने बताया कि रास्ते में कमर से भी अधिक पानी लगा है। रास्ते से वापस लौटना पड़ा है, जो कि अब भी खतरनाक बन गया है। वहां पंचायत के एक मुखिया प्रतिनिधि मिल गए और उन्होंने कहा कि पंचायत की स्थिति बहुत खराब है और राहत के नाम पर अभी तक कुछ नहीं दिया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जाकर इस खबर से जुड़ी हुई कोई भी कमेंट करना चाहें तो जरूर करें और citypostlive.com पर जाकर हमारी खबरों को पढ़ना ना भूलें। धन्यवाद। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और हजार जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। आवर हार्ट नेवर हार्डन्स, आवर टेम्पर नेवर टायर्स, आवर टच नेवर हर्ट। वी वैल्यू व्हाट वी डू। वी आर पारस, वर्क फॉर कॉज नॉट फॉर क्लॉज। लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।